Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Assalamu alaikum class 2. I'm your teacher, Miss Imrana. Today we are going to read our second unit, Lapas Learns to Roar. Learn mean hota hai seekhna aur roar mean gorana, sher ki awaaz. Yani sher kaise chingharta hai. First I will give you an outlook of the lesson. Lapa is the name of a baby lion ya lion cub. He can do everything except roaring. So his father decides to teach him roaring. But to know how we will read the lesson. Now to class, open your English book page number 8 and read the lesson with me. जैसे जैसे मैं लेसन पढ़ूंगी आपने भी इस लेसन को पढ़ना है और उसके बाद आपने अपनी कॉपी को भी रेडी करना है जो मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगी. ठीक है. लुक एट द पिक्चर पेज नंबर 8. देयर इज अ लॉइन एंड देयर इज अ बेबी लॉइन. लॉइन बेबी लॉइन को लॉइन कब भी कहते हैं. इट्स नेम वाज लापा. जैसे आपका नाम है इस तरह लॉइन के बेबी का नाम क्या था, लापा. अब इसके मुतालिक स्टोरी है. लाइन जो है वो अपने बेबी को क्या सिखाना चाहता था. लर्न्स मीन सिखाना और मीन शेर की आवाज़ निकालना. लापा वाज अ बेबी लॉइन और लॉइन कब. लापा जो है वो एक छोटा लॉइन था और उसको लॉइन कब भी गया. ही वाज गुड एट ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड हंटिंग. वो क्या था, उसको सब काम आते थे जो जो उसके फादर ने उसको यानी लॉइन ने उसको सिखाया था. क्या क्या काम, खाना स्लीपिंग मीन सोना एंड हंटिंग मीन शिकार करना. आपको मालूम है कि शेर जो है वो किस तरह अपनी खुराक को ढूंढता है, शिकार करते हैं. बट लापा वाज नो गुड एट रोरिंग. लेकिन लापा को सिर्फ एक चीज़ नहीं आती थी जो कि उसके पापा उसको सिखाना चाहते थे, यानी उसकी तरह शेर की आवाज़ निकालना, शेर की तरह दहाड़ना. टू क्लास, ये जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, ये मैं आपको अभी कॉपी में नोट डाउन करवाऊंगी और उसको आपने लर्न भी करना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करना है. और उसके बाद ये तमाम कॉपीज जो हैं ये आपको स्कूल में सबमिट भी करवानी है. समझ आ गई. इसमें रोरिंग मीन है शेर की आवाज़ निकालना. लापा जस्ट स्माइल. स्माइल मीन मुस्कुराना. लापा जस्ट स्माइल ऑल द टाइम. लापा जो है यानी लापा, हु इज लापा, लॉइन का. वो क्या करता था, लॉइन का बच्चा ऑल द टाइम मुस्कुराता रहता था. पापा लॉइन वाज सैड. और जो पापा लॉइन था वो क्या था, बहुत अफसुरदा था. सैड मीन अफसुरदा. ही वॉन्टेड लापा टू रोर. वो क्या चाहता था कि लापा जो है उसको शेर की तरह बोलना या चिंघाड़ना आ जाए. ही सेंट हिम टू रोरिंग स्कूल. इस काम के लिए उसने क्या किया, जब लापा ने लॉइन अपने बेबी यानी लापा को ये चीज़ खुद ना सिखा सका तो उसने उसको एक स्कूल में भेजा जहाँ पे उसको उसने जहाँ पे उसको रोरिंग सिखाना था. जैसे आप लोग स्कूल आते हैं डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, इसी तरह वहाँ लापा को भी एक स्कूल में भेजा गया ताकि जहाँ पे वो शेर की आवाज़ निकालना सीख सके. लापा लाइक स्कूल. लापा को स्कूल बहुत पसंद था और वो वहाँ पे बहुत इंजॉय करते थे, मज़े करता था. अपने उसने वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाए थे और वहाँ पे वो खूब मज़े करते. ही केम होम स्माइलिंग. और जब वो घर आता तो वो बहुत खुश होता क्योंकि उसका टाइम वहाँ पे उसके दोस्त थे, उनके साथ ऑल द टाइम खेलता, स्माइलिंग करता और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता. बट ही वॉज नॉट रोरिंग. लेकिन जो काम वो सीखना चाहता था यानी शेर की आवाज़ निकालना, वो उसको अभी तक नहीं आया था. लापा वेंट आउट टू प्ले. लापा खेलने के लिए बाहर गया. ही प्लेड विद द अदर लॉन्स. और वो वहाँ पे किसके साथ खेल रहा था, भाई खेलने के लिए जाता था और जहाँ वहाँ दूसरे उसके यानी दोस्त होते थे शेर के बच्चे उनके साथ खेलता था. दे वर रनिंग एंड रोरिंग. रनिंग मीन भागना. उसको वो क्या खेलता था, दूसरे शेरों के साथ भागता था और रोरिंग
दोहरात मतलब लापावास रनिंग टू, और लापास जो है उसको सिर्फ क्या आती थी रनिंग, उसको नॉट रोरिंग, बट ही वॉज नॉट रोरिंग, लेकिन उसको रोरिंग नहीं आती थी. ठीक है, टू क्लास देन स्टॉप योर माई लेसन, राइट द डेट ऑन द पेज. देन यू अंडरलाइन द डिक्टेशन. ये डिक्टेशन जो है आपने, अभी मैं आपको कॉपी पे पेज दिखाऊंगी कैसे रेडी करना है, और घर में आपने अपनी पेरेंट्स से या अपनी टीचर से इस डिक्टेशन को करना है. ठीक है, ये मैं आपको वर्ड्स जो है लाइंस हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, अपनी ये हाईलाइट लाइंस की डिक्टेशन करनी है. ठीक है, ऑन द ऑन योर क्लास वर्क कॉपी. क्लास टू, अब आप अपने मार्कर से या अपनी पेंसिल से ये जो लाइंस को मैंने मार्क किया है, इन लाइंस की डिक्टेशन आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी पे करना है. चलें अब आप लोग ये अपनी बुक पे ये निशान लगा लें, मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कॉपी रेडी करने का तरीका बताऊंगी. और इस लेसन की रीडिंग आपने 5 times अपनी मामा के पास बैठ के करनी है, और फिर मैं आपसे कल इसकी रीडिंग भी सुन सकती हूँ, क्योंकि जब आपका स्कूल ओपन होंगे कोरोना के बाद तो आपको मालूम है आपके अनसीन पेपर्स होंगे, उसमें आपसे रीडिंग प्लस डिक्टेशन सब कुछ लिया जाए, इसलिए आपने इसकी बहुत अच्छी तरह रीडिंग कर ली है. चलें अब आप लोग डिक्टेशन मार्क कर लें, उसके बाद मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी. चलें अब आप लोगों ने डेली ये जो इंग्लिश का लेसन होगा इसको आपने डेली लेना है, पढ़ना है. ठीक है, अब आपने मार्क कर ली है, चलें अपनी पेंसिल हैंड में पकड़ें कॉपी रेडी करने के लिए, और अपनी इंग्लिश की कॉपी ओपन करें, ओपन योर इंग्लिश कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी योर टाइटल पेज. फर्स्ट ये आपने टाइटल पेज रेडी योर टाइटल पेज विथ कलर्स पेंसिल्स. टाइटल पेज लापा लाइन लर्न्स टू रॉ यूनिट नंबर रीडिंग प्लस डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स वर्ड सेंटेंसेस एंड बुक पेज 9 and 10. ठीक है, ये वो तमाम काम है जो आपने कॉपी में उतारना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लीव दिस पेज एंड रेडी दिस पेज फॉर डिक्टेशन. 1, 2, 3, 4 लाइन्स की आपने डिक्टेशन करनी है. ये 8 marks की है. ये आप अपनी पेरेंट्स से डिक्टेशन करेंगे, और आपकी मामा या आपकी जो टीचर हैं ट्यूशन टीचर को चेक करने के बाद आपके यहाँ राइट द मार्क्स ऑन दिस पेज. डू दिस वर्क. अब नो वर्ड्स मीनिंग. ये वर्ड्स मीनिंग पहले आपने रीड करने हैं, देन नोट डाउन ऑन योर इंग्लिश कॉपी. स्टूडेंट्स राइट द डेट एंड डे विथ कलर पेंसिल ऑन द टॉप लाइन, देन राइट वर्ड्स मीनिंग ऑन द फर्स्ट लाइन. वर्ड्स मीनिंग राइट विथ कलर पेंसिल. फर्स्ट वर्ड इज कप, सी यू बी कप. कप मीन शेर का बच्चा. हु इज कप? लापा. एच यू एन टी हंट. हंट मीन शिकार करना. स्केयर, स्केयर खौफ ज़दा. स्केयर मीन डरावा खौफ ज़दा. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन जंगल. लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और लॉयन लिव्स इन द फॉरेस्ट. लॉयन जो है वो कहाँ रहते हैं? जंगल में. रॉर, रॉर मीन शेर का धारणा या चीखना. एस एड इज सैड, सैड मीन उदास या अफसुरदा. स्माइल, एस एम आई एल इज स्माइल. स्माइल मीन मुस्कुराना. एल ई ए आर एन लर्न, लर्न मीन सीखना. एच ओ एम ई होम, होम मीन घर. एस एन टी सेंट, सेंट मीन भेजा. नो राइट डाउन दीज वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑन योर कॉपी. डू नीटली होम वर्क ऑन योर कॉपी. योर राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशली आपने लाइन्स का ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड टीचर ने 2 lines में लिखे है एंड कौन सा वर्ड 3 lines, और हर वर्ड की आपने स्लांट निकालनी है भाई. जैसे एफ की है, एच की, सी की, एच की, इन सब की स्लांट्स
बहुत खूबसूरत शेप में बनानी है आपने। स्टूडेंट्स नाउ रेडी नेक्स्ट पेज फॉर आंसर्स दीज क्वेश्चन। फाइंड राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम योर लेसन। आपने ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो अभी हमने लेसन रीडिंग की है उसमें से आपने सर्च फाइंड करके यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज लापा। नेक्स्ट लाइन में आपने इसका आंसर लिखना है, देन स्किप वन लाइन एंड राइट द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इन विच थिंग्स लापा वाज गुड। वो कौन सी चीज़ें थी जो लापा को बहुत अच्छी तरह आती थी, इसका आंसर लिखना है, द आंसर एंड वन लाइन स्किप देन क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट डिड लापा डू ऑल द टाइम। लापा जो बेबी कब था वो तमाम वक्त क्या करता रहता था। देन टर्न योर पेज एंड राइट द आंसर। वेयर डिड पापा सेंड लापा टू लर्न रोरिंग। पापा ने लापा को रोरिंग सीखने के लिए कहाँ भेजा। ठीक है, ये फोर क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी कॉपी पे राइट करने हैं, देन राइट द आंसर्स एंड लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड व्हाट मीनिंग। ओके तो है नहीं क्लास टू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल माय लेसन एंड रिपीट दीज वर्क Do again. Do remember your writing must be neat and clean. ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है कि आपको ये तमाम सबक समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि first dictation, then words meaning and then question answers. ऐसे ही आपने ये तमाम काम बहुत अच्छा और बहुत प्यारी राइटिंग में करना है। जिस जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसको मैं गोल्डन स्टार दूँगी, ठीक है, और जिसने गंदा काम किया उसे ब्लैक स्टार। चले अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आज हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म है, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अ मैसेज फ्रॉम टीचर, प्लीज रीड केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट योर डेयरी वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।